हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब तो हम लोग रीड कर रहे थे चैप्टर टू ऑफ सिविक्स फेडरलिज्म फॉर क्लास टेंथ और अभी तक हम रीड कर चुके हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है और इंडिया में ऐसे कौन कौन से फ़ीचर्स हैं कि जो इंडिया को एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाते हैं हमने जाना कि इंडिया में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री बट अगर हम उसके स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को देखें तो हम कह सकते हैं दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री और उसके बाद हमने रीड किया कि आ, कौन कौन सी लिस्ट हैं इंडिया में यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के बारे में कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में आ, ये सब हमने रीड किया और रेसोडरी सब्जेक्ट्स पढ़े क्या क्या हैं तो ये सब हम अभी तक कवर कर चुके हैं तो लेट्स स्टार्ट द फर्दर रीडिंग देर आर सम यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन विच इन्जॉय वेरी लिटिल पार दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड बी विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी एग्जिस्टिंग स्टेट्स भारत में कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी पावर है बट वो किसी स्टेट के साथ मर्ज नहीं हुए मतलब उन्हें हम राज्य का दर्जा नहीं दे सकते तो इस तरह के जो स्टेट्स uh, हैं इस तरह की जो जगहें हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं अभी और लेकिन वो किसी स्टेट के साथ मर्ज uh, भी नहीं हुए और उन्हें हम स्टेट नहीं कह सकते तो उनका क्या किया हमने स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिटिंग स्टेट्स दीज एरिया लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ आर आरकार्ड यूनियन टेरिटरीज तो इन एरियाज़ को हम क्या कहते हैं यूनियन टेरेटरीज़ आपको नाम से ही पता चल रहा है यूनियन टेरिटरीज का मतलब है कि हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट है वो इन पर रूल करती है वही यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनाना है या कुछ भी करना है तो वो सेंटर गवर्नमेंट uh, ही करती है द टेरिटरीज डू नॉट हैव पावर्स ऑफ अ स्टेट इनके पास कोई पावर नहीं है स्टेट की द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ स्पेशल पार्ट इन रनिंग दिस एरिया लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पार्ट हैं इन एरियाज़ को रूल करने की दिस शेयरिंग ऑफ पार्ट बिटवीन द यूनियन गवर्मेंट एंड द स्टेट गवर्मेंट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर पार शेयर होती है बिटवीन द सेंट्रल गमेंट एंड स्टेट गवर्मेंट इट्स नॉट ईजी टू मेक चेंज टू दिस पार शेयरिंग अरेंजमेंट द पार्लियामेंट कैन नाट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट एनी चेंज टू दिस हैज़ टू बी फर्स्ट पासड बाई बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट टू थर्ड मेजॉरिटी तो अगर हम इस पार शेयरिंग अरेंजमेंट में जो कि स्टेट और सेंटर के बीच में हैं कोई चेंज करना चाहे मान लो स्टेट को ज़्यादा पार्ट्स देना चाहें या सेंटर को कम देना चाहें या फिर हम कुछ और एरियाज uh, ऐड करना चाहें सेंटर की पार्ट्स में या स्टेट की पार्ट्स में तो क्या वो चेंजेस आसानी से हो जाएंगे तो नहीं वो चेंजेस आसानी से नहीं होंगे अकेला पार्लियामेंट जो है वो चेंजेस नहीं कर सकता पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा उसको इकट्ठे ये फैसला लेना होगा कि कौन कौन से चेंजेस करने हैं और क्या चेंजेस करने हैं चेंजेस आसानी से नहीं होते पार शेयरिंग में तो द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट एनी चेंज टू दिस हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट टू थर्ड मेजॉरिटी पार्लियामेंट के दोनों हाउस को इकट्ठे होकर टू थर्ड मेजॉरिटी बनानी होगी यानी टू थर्ड वोट्स जो है एक तरफ करने होंगे तब जाकर कोई चेंज हो पाएगा दैन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स और इसको टोटल स्टेट्स के हाफ स्टेट्स का जो है वो सहमति भी मिलनी चाहिए अदरवाइज कोई चेंज नहीं हो पाएगा द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवर सिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स हमारी जो न्यायपालिका है जुडिशरी है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है आ, इन पार शेयरिंग में अगर कोई भी किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कौन सॉल्व करेगा जुडिशरी यानी हमारे कोर्ट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो लेट्स रीड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पार्स द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन मेक द डिसीजन अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज़ होता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट तो हमारी जुडिशरी जो है उसमें फ़ैसला लेगी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ पार टू रेज द रिसोर्स बाय लिवाइंग टैक्सेज इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू ईच ऑफ दैम तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है टैक्स uh, जो लगा सकती हैं आम जनता पर उसको जिस एरिया में लगता है कि टैक्स लगने चाहिए वो वहाँ पर टैक्स लगाएगी और अपनी इनकम को इनक्रीज़ करेगी तो ये जो मैप है ये इंडिया का मैप है इन 1947 और आप देख सकते हैं कि मैप जो है वो बहुत अलग है आज के मैप से आ, बहुत सारे एरियाज़ जो हैं अभी है ही नहीं अगर हम बात करें तो अब जो है ये एरिया इंडिया में है ही नहीं वेस्ट पाकिस्तान नहीं है ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग कंट्री बन गया था और अगर मैं कहूँ तो सेंट्रल प्रोविंसेस हैदराबाद uh, uh, दिख रहा है इसमें हैदराबाद नहीं है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा हुआ है ऐसे चेंजेस हुए हैं इंडिया के मैप में कि uh, वो जो है टाइम टू टाइम जो है बदलाव होते रहते हैं अभी भी हम देख सकते हैं कि तेलंगाना एक नया स्टेट बना है रिसेंट स्टेट जिसको हम बोलेंगे 2016 में और आगे हम पढ़ने वाले हैं हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड अब हमने ये तो देख लिया कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है अब उसको प्रैक्टिस में कैसे लाए किस तरह से उसको हमने इम्प्लीमेंट किया वो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन्स आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशेंट क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना कि राज्य को ये वाले अधिकार दिए गए हैं और स्टेट को सॉरी सेंटर को ये वाले अधिकार दे दिए गए हैं क्या ये सफिशेंट है क्या इसी से ही फेडरलिज्म जो है कामयाब हो जाएगा तो नहीं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीड इन इन इंडिया इट इज़ नॉट मीयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न uh, है केवल उसके कारण जो है हम नहीं कह सकते कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो सक्सीड हुआ है उसके कारण उसको सफलता नहीं मिली बल्कि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आर कंट्री क्योंकि हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैं वो काफ़ी अच्छी है मतलब उसकी स्थिति जो है वो बहुत ठीक ठाक है तो इसीलिए जो है फेडरल स्ट्रक्चर अभी तक टिका हुआ है uh, क्यों है इट दिस एनश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर ऑफ़ लिविंग टुगेदर बिकम शेयर आइडियल्स इन आर कंट्री लेट इज लुक एट सम मेजर वेज इन विच दिस हैपन तो हमारे देश में मैंने क्यों कहा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अच्छी है उसका रीज़न ये है कि कोई भी स्टेट ये नहीं कहता कि मुझे अलग देश बनना है सभी स्टेट्स की एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि हम जो हैं एक साथ रहना चाहते हैं भारत बन के तो इसी लिए मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छा भारत के लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इस फेडरलिज्म को वो चाहते हैं कि ठीक है हम अप, अपने राज्य के साथ अलग रहें बट स्टिल वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया हम इंडिया से अलग नहीं जाना चाहते कोई भी स्टेट ऐसे नहीं बोलता अलग स्टेट की डिमांड हुई हैं बट अलग देश की डिमांड नहीं हुई इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री uh, होते हुए भी तो आगे हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स

तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें मिलेगा इसमें आपको आ, बहुत सारे ऐसे स्टेट मिल रहे हैं जो आ, है ही नहीं जैसे हैदराबाद तो हैदराबाद जो है अब एग्जिस्टेंस में ही नहीं है आंध्रा और तेलंगाना दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है तो ऐसे ही नए नए स्टेट्स आए उत्तराखंड बना झारखंड बना आ, तेलंगाना बना बहुत सारे नए स्टेट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं बहुत सारे नए स्टेट एग्जिस्टेंस में आ गए हैं इंडिया में तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे नीड अराइज हो रही है इंडिया चेंज हो रहा है यू विल बी सरप्राइज बाय द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड कई पुराने जो प्रदेश हैं वो वैनिश हो गए हैं गायब हो गए हैं एंड मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड एरियाज बाउंड्रीज एंड द नेम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड तो एरिया भी चेंज हो गए हैं फिर अगर कोई नया स्टेट आएगा तो डेफिनेटली पुराने स्टेट की जो बाउंड्री है जो एरिया है वो चेंज होगा इन 1947 फोर्टी सेवन द बाउंड्रीज ऑफ द सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट तो 1947 में भी कई पुराने जो स्टेट्स थे उनकी बाउंड्रीज चेंज हुई थी दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट अब 1947 में किस तरह से अलग हुए थे स्टेट स्टेट जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर अलग हुए थे यानी एक एरिया के लोग जो कि एक जैसी लैंग्वेज बोलते थे उनको एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया था तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें कर्नाटका की बात करें केरला की बात करें बहुत सारे ऐसे स्टेट uh, हैं जो प्योरली लिंग्विस्टिक बेस स्टेट हैं क्योंकि वहाँ पर 70 टू 80 परसेंट लोग जो हैं वो तमिल बोलते हैं दैट इज़ वाई उनको एक अलग स्टेट दे दिया गया है और ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स हैं जो लिंग्विस्टिक बेस पे हैं इंडिया में ज़्यादातर मैं बोलूँगी ज़्यादातर स्टेट जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर अलग हुए हैं सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकोगग्नाइज़ डिफरेंट बेस्ड ऑन कल्चर लेकिन मैंने कहा ज़्यादातर स्टेट ऐसे हैं बट कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर अलग नहीं हुए उनके अलग होने के बेसिस कुछ अलग थे तो कौन कौन से थे वो बेसिस कुछ कल्चर के बेस पे कुछ एथेनी uh, सिटी के बेस पे और कुछ अपनी जोग्राफी के बेस पे जैसे एग्ज़ाम्पल लेंगे हम नागालैंड का तो नागालैंड जो है अपनी अलग कल्चर uh, की वजह से अलग हुआ तो एथेनिक सिटी की वजह से अलग हुआ अगर हम एग्ज़ाम्पल लें उत्तराखंड का तो उत्तराखंड का जो जोग्राफ़ी जो uh, है वो यूपी से बहुत अलग था तो इसीलिए उत्तराखंड ने एक अलग स्टेट की डिमांड की तो इस तरह से अब जो है फर्दर डिवीज़न ज़रूरी नहीं कि वो लैंग्वेज के बेस पे हो कोई और क्राइटेरिया uh, भी लोग सामने ला रहे हैं जिससे अगर अगर उन्हें uh, अलग स्टेट चाहिए तो दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड उत्तराखंड एंड झारखंड तीन स्टेट के एग्जाम्पल दे रही हैं वैन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज रेड सम नेशनल लीडर्स फील दैट इट वुलड टू टू इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री जब पहली बार ये डिमांड उठी थी कि लैंग्वेज के बेस पर अलग अलग कर दिया जाए स्टेट्स को तो कहीं ना कहीं इंडियन लीडर्स के दिमाग में एक फ़ियर था कि अगर हमने इनको लैंग्वेज के बेस पे अलग कर दिया तो ऐसा तो नहीं कि ये हमारा देश जो है वो डिस हो जाए एक दूसरे के साथ तालमेल मिला ना चलें यून गवर्नमेंट के अंडर ना चलें तो क्या होगा तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डर था लीडर्स के दिमाग में द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर समाइम बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड लेकिन आज हम देख सकते हैं कि लिंग्विस्टिक uh, बेस पे जो जो अलग अलग हुए थे स्टेट वो जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं आज जो है हमारी यूनिटी और हमारी डाइवर्सिटी दोनों जो है वो एक रिमार्केबल uh, एग्जाम्पल बन गए हैं दुनिया के सामने एंड इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर और इससे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो प्रशासन चलाने का तरीका है वो और आसान हो गया है क्योंकि एक जैसे लोगों को टैकल करना है स्टेट गवर्नमेंट को तो वो ईजी हो गया है तो आगे हम पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी क्या है हमारी कंट्री की अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी अब इंडियन फेडरेशन के सामने एक और चुनौती थी वो थी uh, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नाट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज हमने बहुत बार uh, शायद सुना है कि हिंदी जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज है बट नो no. इंडिया ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है तो हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज हम कह सकते हैं हिंदी इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बट नॉट नेशनल लैंग्वेज बट हिंदी इज़ अ मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट फोर्टी परसेंट ऑफ इंडियन हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी बट अगर हम ओवरऑल देखें तो फोर्टी परसेंट लोग ही इंडिया में हिंदी बोल पाते हैं और दूसरे लोग जो हैं बाकी बचे सिक्सटी परसेंट वो अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं बोलने के लिए देर आर फॉर देयर वॉर मैनी सेफ गार्ड्स टू पार्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज अब जब सिक्सटी परसेंट वो लोग बोल रहे हैं हिंदी बोल ही नहीं रहे तो उन उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने बिसाइड हिंदी देर आर ट्वेंटी वन अदर लैंग्वेज रिकोगनाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है कि हिंदी के अलावा इक्कीस और लैंग्वेज हैं जिनको uh, जो है दर्जा दिया गया किसका शेड्यूल्ड लैंग्वेज़ का तो यानी कि टोटल uh, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं वो कितनी हो गई ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन प्लस वन हिंदी तो ट्वेंटी टू जो है हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन द कैंडिडेट इज़ एन एग्जाम द कैंडिडेट इन एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशन मे ऑप्ड टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिज लैंगवेज़ अगर हमें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम जो है देना है तो हम इन ट्वेंटी वन में से कोई भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं अपना एग्जाम अटम्प्ट करने के लिए मच ऑफ मच ऑफ द गवर्मेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्नड स्टेट और या तो उस स्टेट की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज में भी हम जिससे हम बिलोंग करते हैं उस स्टेट की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज में हम एग्ज़ाम दे सकते हैं अनलाइक श्रीलंका द लीडर्स ऑफ आर कंट्री अडोप्टिड अ वेरी कॉशन एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी लेकिन श्रीलंका है जैसे तो वहाँ पर क्या हुआ था कि अलग लैंग्वेज के जो लीडर्स थे उन उन्होंने पहले अलग स्टेट की डिमांड की उसके बाद उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ा दी और वो एक अलग कंट्री की डिमांड करने लगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल परपज वॉज टू स्टॉप इन नाइनटीन सिक्सटी फाइव अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें तो नाइनटीन सिक्सटी फाइव में इंग्लिश का जो यूज है वो बंद हो जाना था एज ऑफिशियल लैंग्वेज तो ऑफिशियल लैंग्वेज ख़त्म हो जानी थी 1965 में लेकिन जब ऐसा करने की कोशिश की गई तो जो साउथ uh, इंडियन लोग थे जो तमिल के लोग थे या कुछ और स्टेट्स के लोग उन्होंने ये करने से बिल्कुल मना कर दिया बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच कम्फर्टेबल इन हिंदी हाउ एवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू तो ऐसे ही स्टेट्स ने डिमांड की कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए इन तमिलनाडु दिस मोमेंट टुक अ वॉयेंट फॉर्म

पॉलिसी ऑफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स फेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज हाँ हिंदी को प्रो प्रमोशन दिया जाता है हिंदी को बढ़ा चढ़ा के इंडिया में प्रेजेंट किया जाता है बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में जो है इंग्लिश को दबाया जाए या इंग्लिश को बोलने पर कोई पाबंदी हो इंग्लिश भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की स्टेट अवेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज द फ्लैक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पोलिटिकल लीडर्स हेल्प अवर कंट्री टू अवॉयड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फ़ाइंड इट्सल्फ इन तो जो हमारी इंडियन पोलिटिकल सिस्टम की फ्लैक्सीबिलिटी है उसी के कारण जो है हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हैं हालांकि इंडिया में उन वहाँ से बहुत बड़ा है इंडिया श्रीलंका से देखा जाए तो लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा हैं बट फिर भी कोई भी स्टेट अपने आप को एक अलग कंट्री बनाने के लिए डिमांड नहीं करता है हाँ कुछ लोग जो हैं वो अलग स्टेट बनाने के लिए ज़रूर डिमांड करते हैं बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने अलग कंट्री बनाने की डिमांड रखी हो तो इस पार्ट में इतना ही होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस